हाय फ्रेंड, आज की रेसिपी है भरवा करेले की रेसिपी। इसमें मैंने कम से कम तेल का यूज़ किया है और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से मैंने भरवा करेले बनाए हैं जो हमेशा हमारे किचन में अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के होममेड भरवा करेले रेसिपी बनाना। स्वागत है आप लोगों का गीतिका जायकेदार कुमाऊनी रसोई में। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो भरवा करेले की रेसिपी है। इधर भरवा करेले की रेसिपी मेरी वाली खास इसलिए मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं भरवा करेले बहुत कम तेल में बनाना बताऊंगी, क्योंकि जनरली भरवा करेले के लिए बहुत ज़्यादा तेल यूज़ होता है, लेकिन मेरी जो ये सब्जी है इसमें कम ऑयल का यूज़ करके हम भरवा करेले बनाएंगे। भरवा करेले तो वैसे ही बहुत बेनिफिट से भरे हुए हैं, तो करेले की सब्जी तो हमें खानी चाहिए। और मैं रेसिपी शुरू करने से पहले एक बात और आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं रेसिपी डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भरवा करेले बनाना। करेले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये आधा किलो करेले लिए हैं। ये मीडियम साइज के हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है और ज़्यादा छोटे भी नहीं है। तो ऐसे ही हमको भरवा करेले के मीडियम साइज के करेले चाहिए। इनको अब हम अच्छे से, मैंने इनको धो लिया है। अब मैं इसको काटने का तरीका बताती हूँ कि इसको मैं कैसे काटूंगी। सबसे पहले मैंने ये करेला लिया और इसके पीछे का इसको छोटा सा ये कट करके, जो इसके ये बाहर की स्किन है हमें इसे पूरा निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको हल्का सा चाकू से ऐसे करके क्रश कर लूँगी नीचे को, तो ये इजीली हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको क्रश करने के लिए। इसे सारा हमें चारों तरफ से इसे हमें इसकी स्किन को निकाल लेना है अच्छे से। मैंने सारे करेलों को छील लिया है ऐसे करके, इसी तरीके से सबको हमको बाहर की स्किन निकालनी है। अब ये वाला जो साइड है इसका हम यूज नहीं करेंगे और इसके अंदर से अब हम एक कट इसके सेंटर में ऐसे करके एक कट लगा देंगे। पूरा नहीं काटना है, बस इसके बीच में से एक चीरा लगाएंगे इस तरीके से, और इसको थोड़ा फिंगर की सहायता से ऐसे खोलेंगे। जो इसके ये बीज हैं इनको हम निकाल लेंगे, इनका यूज हम मसाला बनाने के लिए करेंगे। अब चाकू की सहायता से हल्के से थोड़ा आराम से इसको हमें निकालना है चारों तरफ से। जो ये बीज है इनको हम चाकू की सहायता से ऐसे हल्के से कट कर लेंगे तो ये आराम से ऐसे करके निकल जाएगा। ये देखिए, ये इसको हमें निकाल लेना है। ये सारा हम फिंगर की सहायता से ऐसे, ये सब मैंने निकाल दिया है, बहुत आराम से निकल जाता है। तो ये एकदम से अंदर से इसको हमें ऐसे खोखला करना है। जो इसके बीज है, मसाला है, ये सब निकालना है। इसके अंदर हम मसाला भरेंगे तो इसलिए पहले से खाली करना है इस तरीके से। अब सारे करेलों को मैं एक, मैंने ये पहले भी करके रखा है, इस सबको मैं इसी तरीके से सबको मैं इनको ऐसे बीज हटा लूँगी, और जो ये बीज है इन्हें हम फेंकेंगे नहीं। जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है इसका हम मसाले में यूज़ करेंगे। इन सारे करेले छील लिए हैं सबको, और ये मेरा इसमें से व्हाइट वाला करेले के अंदर का जो ये पार्ट बीज है ये कम निकला है। अगर ये ज़्यादा निकलता है तो आप इसको मत डालिए, और अगर ये कम निकलता है तो आप इसको डालिए। मेरा ये मसाला के लिए थोड़ा सा कम निकला है तो मैं एक दो चम्मच इसमें से इस मसाले के लिए यूज़ करूँगी। अब मैं जो ये करेले मैंने लिए हैं इनमें मैं एक चम्मच नमक डाल दूँगी। सब मैं अच्छे से इसमें मिक्स मिला लूँगी हाथ की सहायता से ऐसे करके, अंदर बाहर से नमकों को अच्छे से अंदर बाहर सब जगह मिलाना है। और इसको मैं अभी 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी नमक लगा के, ताकि जो इसका हल्का कड़वापन है वो निकल जाएगा और ये करेले सॉफ्ट हो जाएंगे। अब वही है कि प्लेट को हल्का सा ऐसे करके मैंने टेढ़ा करके रखना है ताकि जो नमक होगा वो सारा नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको अभी ऐसे करके 2-3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक ये इसका पानी निकलता है, ये सॉफ्ट होते हैं, मैं इसका मसाला बना लेती हूँ। इसके के लिए मैंने ये 3 से 4 प्याज लिए हैं और ये 2 बंच गार्लिक के हैं। तब तक करेले सॉफ्ट होते हैं, मैं इनको काट लेती हूँ अच्छे से और मसाला तैयार कर लेते हैं। सारा प्याज काट लिया है और ये लहसुन छील लिया है। ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। और एक साइड मैंने कढ़ाई पे तेल गरम कर लिया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो जब इसका धुआं निकलने लग जाएगा हम इसमें ये एक चम्मच सौंफ
इसका तड़का लगाएंगे सौंफ का एक चम्मच सौंफ का, और मैं अब ये प्याज इसमें डाल दूंगी। प्याज का तड़का लगा लेती हूँ मैं। अब इस प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूंगी, ऐसे ही कंटिन्यू स्टिरिंग करते रहे। फ्लेम इसकी मैंने लो रखी है, बीच में इसकी फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी। अब ये प्याज जब से भी प्याज भून रहा है तो ये मेरे लहसुन गार्लिक है, इसको मैं इसमें पेस्ट इसका दरदरा पेस्ट बना लूंगी। इस गार्लिक को इसमें डाल के इसको मैं इसमें कूट लेती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है मसाले में लहसुन को ऐसे डालने से। तो मैं इसको क्रश कर लेती हूँ और मेरा प्याज भी एक साइड से भून रहा है। देखिए ये प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको इतना ब्राउन करना है प्याज को। अब मैंने इसमें ये मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब टमाटर को मैं अच्छे से मिक्स करके भून लूंगी टमाटर को। इसमें मैंने टमाटर डाला है तो मुझे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, जितना आपका स्वादानुसार आप इसमें नमक ले लेंगे। अब ये मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, और जो मैंने यहाँ पे ये लहसुन गार्लिक का जो ये मैंने पेस्ट इसमें क्रश किया है गार्लिक को, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से 2-3 मिनट भून लेती हूँ टमाटर को और गार्लिक को। ये टमाटर मेरे भून चुके हैं, 2-3 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, 1 छोटी चम्मच हल्दी और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए जितना आप खाते हैं। तो मैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च और डालूंगी, क्योंकि ये भरवा करेले थोड़े से स्पाइसी और चटपटे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा रखूंगी। चटपटे स्पाइसी भरवा करेले बहुत टेस्टी होते लगते हैं खाने में। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी, 1 से 2 चम्मच और 1 चम्मच जीरा पाउडर। बस लिमिटेड से मसाले हैं इसके, ज़्यादा मसाले नहीं हैं। मैं उन्हीं चीज़ों से सब्जी बनाना बताती हूँ जो हमको आसानी से किचन में मिल जाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं बहुत बार बना चुकी हूँ भरवा करेले, ऐसे बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब थोड़ी देर इस मसालों को मैं इसमें अच्छे से भूनूंगी, और मैंने अब ये करेले का जो बीज का लिया था, इसके जो मैंने पार्ट लिए थे करेले के वाइट वाला पार्ट जो अंदर का मैंने निकाला था, उसमें मैंने ये 2 चम्मच ग्रीन वाला जो बाहर से क्रश किया था वो निकाला है। तो मैं इसको अब इसमें ऐड कर दूंगी। सारा भून गया है, अब ये ग्रीन वाला जो मैंने करेले का लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसी मसाले के साथ इसको मैं 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसी तेल में भूनूंगी, पानी नहीं डालना है। इसी तेल के मसाले में ये अच्छे से भून जाएगा। तो बस ये हमारा करेले का मसाला तैयार है, लेकिन अभी इसको 5 से 6 मिनट मुझे लो फ्लेम में भूनना है ताकि ये अच्छे से भून जाए, सारा मसाला मिक्स हो जाए। देखिए इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं, ये मैंने लो फ्लेम में इसको पकाया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसका तेल साइड से दिख रहा है, तो ये मसाला तैयार हो गया है। ये मसाला मेरा भरवा करेले का मसाला तैयार हो गया है। इसमें मैं अब इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा उसके बाद ही हम इस मसाले को करेलों के अंदर भरेंगे। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच मैंने ये अमचूर पाउडर लिया है। अमचूर पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आप खट्टा खाना पसंद करते हैं। क्योंकि इस पर मैंने 3 से 4 टमाटर डाले हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच अमचूर पाउडर ले रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा, थोड़ा स्पाइसी थोड़ा खट्टा करेले का। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अमचूर हमेशा लास्ट में ही डालना है फ्लेम ऑफ करने के बाद,
ये मैं मिक्स कर दिया है मैंने इसको। अब मैं इसको एक बर्तन में खाली करके ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद हम इसको करेले में भरेंगे। मसाला ठंडा हो गया है, मैंने इसको फैला के रख दिया था, तो ये अभी ठंडा है, भरने लायक तैयार हो गया है। और जो ये करेले थे, इसमें ये कड़वा पानी इसके यहाँ पे नीचे निकल के आ गया है। अब मैं इसमें से जो ये करेले हैं इनको एक दूसरी प्लेट में रख लेती हूँ और इनको अब हम लोग भरेंगे। अब इसमें हम मसाला भरेंगे, ये जो हमने ये लिया हुआ है पार्ट, इसमें हम चम्मच की सहायता से जितना मसाला आ सकता है उतना डालेंगे और इसको पूरा अच्छे तक चारों तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसको भरेंगे ताकि मसाला सब जगह जाए। ऐसे चम्मच की सहायता से, ये देखिए इस तरीके से भरना है। इसको प्रेस करके थोड़ा अंदर को दबा दीजिए ताकि ये निकले ना जब हम इसको सैलो फ्राई करेंगे। तल भी सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने में बहुत ऑयल हो जाएगा, तो मैं कम तेल में इसको सैलो फ्राई करूँगी। ये देखिए इसको फिर ऐसे हम इसका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे मसाले को अंदर करके। और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चारों तरफ से सेक सकते हैं, लेकिन ये मसाला गिर जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक रील की धागे से साफ धागा ले लेंगे। ये जैसे मैंने ये धागा लिया है, इस धागे से मैं इसको टाइट करके साइड से बांध दूंगी। इसका मुंह थोड़ा सा बंद हो जाएगा तो मसाला नहीं गिरेगा। ये मैं इसको ऐसे करके लपेट लूंगी, देखिए इस तरीके से घुमा घुमा के चारों तरफ ऐसे लपेटना है और इसका मुंह बंद करते हुए जाना है ताकि ये मसाला लॉक हो जाए और ये मसाला गिरे ना। इस तरीके से ये लास्ट तक करेंगे और खाना खाते टाइम जब हम खाने के लिए बैठेंगे तो आप ये धागा निकाल दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये साफ धागा है। तो बस ये तैयार हो गया है भरवा करेले। ऐसे ही मैं इनको सबको भर लेती हूँ, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। मैंने करेलों को भर लिया है और इसको धागे की सहायता से सील कर लिया है सारे। और अभी मेरा ये इतना मसाला बचा है, इसको मैं अभी इसके बाद में यूज़ करूँगी। और एक साइड मैंने ये पैन लिया है, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, बड़ी चम्मच की 4 चम्मच है। तेल मैंने कम लिया है, कम तेल में ही मैं भरवा करेले बनाऊँगी, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये अभी तेल गर्म हो रहा है, मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है, इसमें से धुआं आने लग गया है और मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है, एकदम कम गैस रखेंगे। और उसमें अब एक एक करके ये करेले में करके सारे करेले में घी ऐसे इसमें सारे करेले डाल दिए हैं। अब हम इनको लो फ्लेम में स्टियर करते रहेंगे, कंटिन्यू इसको हमें घुमा घुमा के पकाना है चारों तरफ से, ताकि जो इसकी करेले की बाहर की इसकी नई अच्छे से पक जाए। इसे हम ऐसे हिलाते रहेंगे चारों तरफ से, इसको घुमा घुमा के पकाना है, ऐसे करके हम इसे पलटते रहेंगे। और कम गैस में ही पकाना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएंगे। और इसे हम घुमा घुमा के चारों तरफ से पकाते, ये करेले भरवा करेले तैयार हो गए हैं। मैंने इनको घुमा घुमा के पका लिया है, इसको ऐसे ही पकाना है लो फ्लेम पे, इसको छोड़ना नहीं है नहीं तो ये जल जाएंगे। आपको ये हल्के से जो ये ब्राउन दिख रहे होंगे जो भी है इस करेले के ऊपर, ये इतना स्टेज तक इसको पकाना है, इसी स्टेज तक। जब ये हल्के से ब्राउन और सॉफ्ट हो गए हैं ये देखिए, तो इसका मतलब ये करेले पक चुके हैं। तो हम इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये अब खाने के लिए तैयार है। ये भरवा करेले तैयार हो गए हैं, ये मैंने सैलो फ्राई करके बनाया है, इसे डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। इसमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि सर्व करने से पहले आप ये थ्रेड को हटा दीजिए, नहीं तो ये खाते टाइम अच्छा नहीं लगता है, तो इसको पहले निकाल के ही खाना। और जो इसका एक्स्ट्रा मसाला बचा हुआ है आप इसको ऊपर से डाल के खा सकते हैं, रोटी के संग, पराठे के संग, आप किसी भी चीज के संग आप इसे खा सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। मैं हमेशा भरवा करेले ऐसे ही बनाती हूँ, ये सिंपल उन्हीं मसालों से, उन्हीं चीज़ों से मैंने बनाया है जो हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उन्हीं चीज़ से ये मैंने बनाया है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो ये मेरी आज की रेसिपी भरवा करेले, बहुत इजी था भरवा करेले बनाना। और इसमें मैंने जितना कम हो सका उतना कम तेल का यूज़ किया है, उसके बाद भी सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, इसे आप
स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। ये आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के डिनर में आप एक एक करेला निकाल के खा सकते हैं। 2-3 दिन आराम से ये सब्जी चलती है। आप जरूर ट्राई करिए एक बार बनाना। और ये जो सब्जी अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप फॉलो करके बनाएंगे तो जो आपको वीडियो में दिख रहा है वही सब्जी आपको बनके तैयार होगी। आप लोगों की भी मेरे इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं है, जो दिखता है वही बनता है मेरी रसोई में। तो आप लोग जरूर ट्राई करिए और अपने कमेंट्स मेरे को जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को भरवा करेले की सब्जी कैसी लगी। आप लोगों ने मेरी पूरी ये वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।